ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੌੜ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਪੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हिंदुस्तान के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमने उस नेता को याद किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया था हिंदुस्तान को इकट्ठा करने में। युगों युगों के बाद एक योगी इंसान, एक मोदी साहब के नाम पे एक प्रधानमंत्री मिला है जो ये कहता है कि सारा कुछ भूल के देश पहले यूनाइट हो। अगर देश यूनाइट हो गया तो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इतनी ताकतवर उभरेगी हिंदुस्तान, हमारा देश। उसके लिए सारे इकट्ठे हों, यूनाइटेड होके चलें, अपनी ताकत को समझें और देश को बुलंदियों पे लेके जाएं। आज इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया और विशेष करके नौजवानों के अंदर बड़ा उत्साह है। नौजवान बढ़ चढ़ के इस दौड़ का हिस्सा बनना, अपने आप को इस गल वास्ते गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तुहाडे सामने ही है नौजवान, सारे विद्यार्थी जड़े ने, नौजवान साढ़े बीजेपी के कार्यकर्ता और शहर वासी भी जड़े ने इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाने वास्ते रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।